वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी राज की वापसी हुई है और वापसी के साथ ही सीएम योगी फिर जोर शोर से अपने काम में जुड़ गए हैं। जिस कानून व्यवस्था के दम पर बीजेपी ने यूपी में सत्ता वापस हासिल की है, उस कानून का खौफ कायम करने में फिर से पुलिस विभाग जुड़ गया है। अपराधियों पर पुलिस की बंदूकें गरज रही है और साथ ही साथ गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। बाबा का खौफ इतना है कि अपराधी गले में तख्ती लटकाए सरेंडर करने को खुद को थाने पहुंचने लगे हैं। सीएम योगी ने इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी कमर कस ली है और पहले दिन से ही भ्रष्ट अफसरों और पुलिस वालों पर गाज गिरनी शुरू भी हो गई है। कई अफसरों को सीएम योगी ने सस्पेंड कर ये संदेश दिया है कि योगी राज में अब करप्शन नहीं चलेगा। लेकिन इन सब के अलावा पूरे चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा रहा तो वो था बेरोजगारी का, जिस पर विपक्ष ने भी जमकर हल्ला काटा था। लेकिन योगी सरकार ने वापसी के साथ ही इस मुद्दे पर भी काम शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी खाका तैयार कर लिया है और विभागों के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उसके मुताबिक 100 दिन में वो यूपी के 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी, जिसके लिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के लिए विभागों को निर्देशित भी कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, इसमें आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए, भ्रष्टाचार का इसमें नामो निशान नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और समय के अंदर सबको नौकरी देने का काम किया जाए। आपको बता दें कि विपक्ष ने चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि प्रदेश में 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, अगर वो सत्ता में आए तो इस पर काम करेंगे। लेकिन सीएम योगी ने इस मुद्दे पर काम शुरू कर विपक्ष के साथ जनता को भी ये संदेश दिया है कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर भी संजीदा है और युवाओं के भविष्य को लेकर सतर्क भी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।